हे दोस्तों, मैं ब्रिजेश पासी आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूँ दोस्तों कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और उसका नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देंगे तो और अच्छा रहेगा दोस्तों। सो दोस्तों, आप लोगों के सामने एक चार्ट है, उसे सिंपली मैं रीड करके दिखाता हूँ। 10वीं और 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका, सैलरी 63,000 रुपीज़। मैं बता दूं दोस्तों कि आपको 63,000 कमाने का मौका मिल रहा है, सिर्फ 10वीं और 12वीं अगर आप पास हो तो 63,000 तक आप अर्निंग कर सकते हो। सो फाइनली आगे बढ़ते हैं, आपके सामने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पे लोगो आया है, आगे जा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी है। आप सिंपली वीडियो को पॉज करिए और इसे रीड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 4 मई 2017 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों अप्लाई करने की, तो हरी अप, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो जा सकते हो। 10वीं 12वीं का सिर्फ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, रिटर्न एग्जाम आपका होगा और एक इंटरव्यू होगा, उसके आधार पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। आपकी जो सैलरी है दोस्तों, लास्ट में देख सकते हैं 21,000 से लेके 63,000 तक आपकी सैलरी रहेगी दोस्तों। सो यहाँ पे देख सकते हैं एक और चार्ट आया आपके सामने, तो आप उसे सिंपली रीड कर लें। तो जो संस्था का नाम है तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, और जो टोटल पोस्ट है दोस्तों 616 पोस्ट है आपके सामने, और जो पद का नाम है, जो पोस्ट है दोस्तों, पेट करके बताया गया है, PET, इसका जो फुल फॉर्म है फिजिकल एजुकेट टीचर्स। मैं बता दूं दोस्तों, जो स्कूल्स में टीचर्स होते हैं दोस्तों, जो PT टीचर बोलते हैं हम लोग, तो उन्हें बोला जाता है PE टीचर। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेट करके लिखा हुआ है, फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं उन्हें बोला जाता है पेट। सो आप सिंपली वहाँ पे अगर स्कूल में जॉब करना चाहते हो तो फाइनली इससे डिक्लेयर होता है दोस्तों कि स्कूल के लिए जॉब है। तेलंगाना में जो स्कूल्स हैं वहाँ पे स्कूल के लिए जॉब है। अगर आपका बी इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होगी, मैं अपने आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों, कि अगर आपने BPED किया हुआ है, आप ग्रेजुएट हो, आपने BPED किया हुआ है, तो ही आप PT टीचर बन सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी एंड गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से BPED वालों को ही PT टीचर की जॉब मिलती है। आप देख सकते हो जो इसमें एज लिमिट है दोस्तों, आपके सामने जो चार्ट है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 44 अगर आपकी एज लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 44 अगर आपने क्रॉस किया तो आप भूल जाइए, इस जॉब के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसे करें आवेदन। तो नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है आप लोगों को, वहां से जाके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स मूव अहेड गाइज, होप सो ये जॉब आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।